उत्तराखंड के विकास नगर से क्लोरीन सिलेंडर में लीकेज की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि प्रेम नगर थाने के झांझरा क्षेत्र में क्लोरीन सिलेंडर लीक हुआ, जिस कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को तत्काल दी गई। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत SSP अजय सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाला। मौके पर पहुंची पुलिस टीम, NDRF, SDRF और फायर टीम मौके पर पहुंचकर क्लोरीन सिलेंडर को खाली प्लॉट में रख रही है और इलाके को खाली कराया। साथ ही टीम मामले की जांच में जुट गई है। गैस लीकेज से आंखों में जलन और दम घुटने के चलते आबादी वाले इस पूरे क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। इस घटना से पूरे इलाके में रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी घनी आबादी के बीच खाली प्लॉट में क्लोरीन गैस के सिलेंडर क्यों रखे गए थे। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। मुझे कल शाम को 4 बजे गांव वालों ने बताया कि यहां से कुछ बदबू आ रही है, तो फिर मैंने पता करा तो गैस लीक हो रही थी, रिसाव हो रहा है, जिससे जहरीली हवा चल रही है, गांव वालों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जानवरों को परेशानी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और जो ये प्लॉट का मालिक है, रात से उनसे कॉन्टेक्ट हो रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन वो कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है जानवर को, बच्चों को, और आंखों में जलन, ये इसका मेन सिम्टम आ रहा है। और जो कि ये तकरीबन ये रिहायशी इलाका है, जिस जगह में ये रखे इन्होंने सिलेंडर रखे हुए थे, उसके चारों तरफ मकान है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। ये रात्रि 3 बजे सूचना आई थी, एक गार्ड है यहाँ पर, इनके द्वारा सांस लेने और कुछ गैस रिसाव की सूचना दी गई थी। मौके पर जब पुलिस आई तो देखा खाली प्लॉट है यहाँ झाझरा में, जहाँ पर 5 सिलेंडर बड़े पड़े हुए थे फ्लोरिन के, तो उसको देखा गया, उसको रिसाव हो रहा था, तो फायर सर्विस को फिर NDRF को इसमें बुलाया गया, SDRF को बुला लिया गया, क्योंकि आस पास कॉलोनी भी है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उन लोगों को घर खाली करा के सेफ जगह पर भेज दिया गया। अब ये सिलेंडर को यहाँ से हटा कर सेफ जगह देकर डिस्पोज करने की कार्रवाई चल रही है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि क्लोरीन गैस के लीकेज से इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में किस तरीके से हड़कंप मच गया है। मौके पर SDRF की टीम पहुंच गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है। पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच चुका है, पूरा अमला वहां पर मौजूद है, देख सकते हैं पूरे किट के साथ व्यवस्था की गई है कि इस क्लोरीन गैस के रिसाव को किसी तरीके से रोक दिया जाए, ताकि इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में लोगों को परेशानी ना हो। आपको बता दें कि इस क्लोरीन लीकेज के मामले के सामने आने के बाद अब इलाके में हड़कंप मच गया है, वहीं लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि बुलडोजर की सहायता से सारे क्लोरीन गैस के जो सिलेंडर हैं, जो काफ़ी दिनों से वहां पर रखे हुए थे, उन्हें हटाया जा रहा है। SDRF की टीम वहां पर मौजूद है, जो पूरे ध्यान में रखते हुए अपने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही है। वहाँ के लोगों का कहना है कि इस रिसाव के चलते उनकी आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिस कारण अब वहाँ पर पूरी तरीके से जो अमला है वो इस व्यवस्था को दुरुस्त करने पर जुटा हुआ है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास नगर से इंद्रपाल सिंह जुड़ गए हैं। इंद्रपाल जी, बताएं क्या है पूरा मामला। जी मनीष, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज सुबह 4 बजे एक स्थानीय व्यक्ति ने 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी कि यहाँ इस जगह जो है, जहाँ का ये मामला है झाझरा का, लोगों का दम घुट रहा है और लगता है कोई गैस लीकेज है। पूरे मामले का जो है संज्ञान लेते हुए SSP देहरादून अजय सिंह द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचे, स्वयं मोर्चा संभाला। वहीं मौके पर आकर पता चला एक गैस जो है खाली प्लॉट में कुछ सिलेंडर पड़े हुए थे, जिनकी वजह से ये गैस लीकेज हुई। तो वही मौके पर जो है सभी टीमें मौजूद हैं और बचाव कार्य चल रहा है। जी इंद्रपाल जी, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोग वहां के बता रहे हैं कि आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो जिन लोगों को दूसरे इलाके में शिफ्ट किया गया है, क्या उन लोगों की हालत अभी स्थिर है या फिर मामला और भी गंभीर है इसके अलावा? जी बिल्कुल, फिलहाल बताया जा रहा है स्थिति
ठीक है और पूरा इलाका जो है खाली करा दिया गया है, वहां से अन्य जगह शिफ्ट कर दिए गए हैं और जो ये सिलेंडर जो बताए जा रहे हैं इनको जो है जमीन में गड्ढा खोद के इनको जो है दबाने की प्रक्रिया चल रही है। जी जी इंद्रपाल जी, जिस तरीके से मामला पूरा सामने आया है, जिस तरीके से आपने बताया कि काफी दिनों से ये गैस सिलेंडर वहां पर रखे हुए थे क्लोरीन के, क्या प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया या जो जिम्मेदार व्यक्ति है जिन्होंने इस सिलेंडर को वहां पर रखा था, क्या उन्हें ये नहीं पता था कि इस रिसाव से चल के आगे लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो क्या इसकी व्यवस्था पहले से नहीं की गई थी? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। इसमें बताया जा रहा है कि कई दिनों से जो है स्थानीय ग्रामीण जो है इसके संबंध में जो प्लॉट मालिक है उससे संपर्क किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसको बिल्कुल जो गंभीरता से नहीं लिया। और तो वहीं अगर देहरादून पुलिस कप्तान की बात करें तो उनका स्पष्ट कहना है इस पर बिल्कुल जो जांच होगी, जांच के बाद जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी इंद्रपाल जी, क्या प्लॉट मालिक का बयान इस पर कुछ सामने आया, पुलिस प्रशासन ने प्लॉट मालिक से अब तक बात करने की कुछ कोशिश की? जी अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जी स्थानीय लोगों का इस पर क्या कहना है, जिस तरीके से मामला सामने है लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, किस तरीके से लोग अपनी प्रक्रिया दे रहे हैं इस पर? जी बिल्कुल, लोग काफी गुस्से में हैं। लोगों का स्पष्ट कहना है कि इतने दिनों से खाली प्लॉट में जो सिलेंडर जो गैस पड़ी सिलेंडर पड़े हुए थे पुराने, इसमें बहुत लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जो स्थानीय प्रशासन है, जो खुफिया विभाग है, उन तक भी उनको भी इस चीज की जानकारी नहीं मिल पाई थी। जी इंद्रपाल जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ कहना है कब तक इस पूरे जो सिस्टम को दुरुस्त कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, बताया जा रहा है फिलहाल बहुत जल्द पूरे इस मामले पे काबू पा लिया जाएगा और स्थिति नियंत्रण में आ रही है धीरे धीरे। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रपाल जी। तो ये थे हमारे संवाददाता इंद्रपाल विकासनगर से, जिन्होंने तमाम जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर। आपको बता दें जो क्लोरीन गैस के सिलेंडर थे वो काफ़ी दिनों से वहाँ पर रखे थे, जो प्लॉट का मालिक था उसने इन्हें दबा के रखा हुआ था और अब इसका जब रिसाव चालू हुआ तो वहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रिसाव के चलते उनके आंखों में जलन हुई, उनके सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तस्वीरों में हम आपको जो दिखा रहे हैं कि इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, गड्ढा खोद के इन क्लोरीन गैस के सिलेंडरों को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर प्लॉट मालिक का बयान अब तक कुछ सामने नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। तो विकासनगर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब बुलडोजर की मदद से गड्ढा खोदा जा रहा है जहां पर क्लोरीन गैस के सिलेंडर को दबाया जाएगा। वहीं पर इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। आप देख सकते हैं कि पूरे किट के साथ वहां पर टीम मौजूद है ताकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीम को कुछ दिक्कत ना हो। साथ ही स्थानीय पुलिस भी वहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है,